नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग आईपीएल की, क्रिकेट की बहुत सारी अपडेट्स आ रही है। आपको जो है वीडियो को बस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहना है। और आगे बढ़ने से पहले, आप लोग क्रिकेट के आईपीएल के फ़ैन हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले लसित मलिंगा की। तो भाई, कल जो है मलिंगा ने ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि वो जो है पूरे T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यानी कि जो है मलिंगा अभी से हम सभी को T20 क्रिकेट जो है मतलब कि क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनका जो भाई लेजेंडरी करियर था वो कल समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं लसित मलिंगा फ्यूचर में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ में हमको दिखेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो भाई मलिंगा को जो है बहुत बहुत मतलब कि हैप्पी रिटायरमेंट, और उम्मीद करते हैं उनकी आने वाली लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरे। दोस्तों, यहाँ पे जो है ना बात करते हैं हम लोग एक रिपोर्ट की। रिपोर्ट आ रही है सीपीएल के प्लेयर और जो फिलहाल सीरीज अभी ख़त्म हुई है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका की। हमको पता है सीपीएल चालू है, आज फाइनल है, और फिलहाल लेटेस्ट में जो भी सीरीज ख़त्म हुई है श्रीलंका और अफ्रीका की, इनके अंदर भी जो है आईपीएल के प्लेयर खेल रहे थे। अभी मान लीजिए भाई, ये लोग जब यूएई पहुंचेंगे, कौन कौन से प्लेयर, जो प्लेयर सीपीएल में खेल रहे हैं और जो प्लेयर साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के सीरीज में खेल रहे हैं, ये प्लेयर जब यूएई में आएंगे, यूएई में आने के बाद सभी प्लेयर्स को जो है 2 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा। यानी कि जो है आप लोग समझ सकते हो, जो प्लेयर मतलब कि हमको पता है कि जो भी प्लेयर यूएई में आता है उसको 6 दिन का कंपलसरी क्वारंटीन काटना है, लेकिन जो प्लेयर सीपीएल से आ रहा है, जो प्लेयर श्रीलंका अफ्रीका के सीरीज से आ रहा है, उसको 6 दिन का नहीं, उसको सिर्फ 2 दिन का आइसोलेशन में जाना है। क्योंकि वो लोग जो है भाई मतलब कि एक बायो बबल से आ रहे हैं, सिक्योर बबल से आ रहे हैं, इसलिए उनको सिर्फ 2 दिन का आइसोलेशन रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो है ना सीपीएल में सेंट लुसिया किंग्स के लिए जो सेमीफाइनल मुकाबला था, इतने बड़े मुकाबले में जो है उनके कप्तान फैफ डुप्लेसिस भाई नहीं खेले। हो सकता है उनकी इंजरी काफ़ी सीरियस हो, ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आईपीएल भी आ रहा है और डुप्लेसिस को चेन्नई के लिए खेलना भी है। तब क्या वो आईपीएल में खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, इसको लेके जो है भाई दोबारा से रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा लिखा है, डुप्लेसिस फर्स्ट मैच में जो मुंबई के वंश होने वाला है वो उसमें जो है अवेलेबल रहेंगे। अब भाई हम लोग इस रिपोर्ट पे कितना यकीन करें, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है इस पे यकीन करें ना करें थोड़ा सा डाउट है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई डुप्लेसिस आईपीएल में अवेलेबल रह पाते हैं कि नहीं। वहीं बात करते हैं जड्डू की। तो भाई जड्डू को जो है टेस्ट सीरीज में एंकल इंजरी हुई थी। अभी जो है रिपोर्ट आ रही है एकदम से कि रविंद्र जडेजा की जो एंकल इंजरी थी वो कम्प्लीटली ठीक है, और जडेजा जो है मुंबई के सामने पहले मैच में जो है अवेलेबल रहने वाले हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वहीं जो है भाई बात करते हैं सैम कुर्रन की। सैम कुर्रन ने आज चेन्नई की टीम को यूएई में मतलब कि उनके जो है ज्वाइन किया है। अब भाई उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, अब जो है आज से लेके सैम कुर्रन 6 दिन के क्वारंटीन में जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सैम कुर्रन जो है चेन्नई के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, जबकि वो मुंबई के सामने मैच खेलेंगे। यानी कि वो चेन्नई के पहले मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो फिलहाल 6 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे सैम कुर्रन। पर यहाँ पे जो है मैं आगे बढ़ूँ यार, आप सभी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग बहुत पीछे हो, आपको करना कुछ भी नहीं है। बस मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, इसको आपको क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो है आप सभी को आईपीएल की सबसे तेज अपडेट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ। भाई बात करते हैं हम लोग रिटेंशन की। आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन है, इसको लेकर जो है क्रिक बस के ऊपर कल बहुत सारी अपडेट छपी थी, तो मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर सबसे पहले दे ही दिए, लेकिन अब आपको विस्तार से बताता हूँ। क्रिक बस के ऊपर ऐसा लिखा है कि जो बीसीसीआई है वो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए जो है 2 रिटेंशन और 2 RTM कार्ड अवेलेबल करेगी। यानी कि जो है एक टीम 2 रिटेंशन कर सकती है प्लेयर के, प्लस ऑक्शन के अंदर जो है वो 2 RTM कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा जो है क्रिकबस के ऊपर रिपोर्ट छपा है। हालांकि जो है इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नवंबर के महीने में लिया जाएगा रिटेंशन पॉलिसी को लेकर। आखिरकार कितने प्लेयर को रिटेन करना है, क्या RTM कार्ड होगा, अगर होगा तो कितना प्लेयर रिटेन कर पाएंगे, इसको लेकर जो है फाइनल डिसीजन BCCI नवंबर के महीने में लेगी।
अब बात करते हैं दो नई टीम का ऑक्शन कब है। भाई हमको पता है 2022 में दो नई टीम्स ऐड होगी, तो वो दो नई टीम्स का ऑक्शन कब होगा। क्रिकबस के तहत 17 अक्टूबर को जो है वो दो नई टीम्स का ऑक्शन होने वाला है। तो भाई 17 अक्टूबर को जो है हम सभी को दो नई टीम्स का ऑक्शन होते हुए दिखेगा, और वो दो नई टीम कौन सी है हमको उस वक्त मालूम पड़ जाएगा। साथ ही में जो है खबर ये आ रही है संजीव गोयनका को लेके, जो भाई पहले पुणे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के ओनर थे, यही जो है संजीव गोयनका अब भाई इंटरेस्टेड है अपनी नई टीम खरीदने को लेके। इस बार जो टीम वो खरीदेंगे वो रहेगी लखनऊ से, तो मतलब कि एक बात फिक्स है कि लखनऊ की टीम इस बार आईपीएल में आ सकती है। अब भाई सबसे बड़ी अपडेट, आखिरकार मेगा ऑक्शन कब होगा। क्रिकबस के ऊपर ये रिपोर्ट छपी है कि आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन है वो जनवरी के महीने में हो सकता है। तो भाई आप लोग याद रखिए, हमेशा जो है लाइकली ऑक्शन दिसंबर में होता था, लेकिन जो मेगा ऑक्शन है वो हम सभी को जनवरी 2022 में होता हुआ दिख सकता है क्रिकबस के तहत। बात करते हैं यहाँ पे भाई आरसीबी के प्रैक्टिस मैच की। तो भाई एक दो दिन पहले जो है आरसीबी की टीम ने उनका प्रैक्टिस मैच खेला, बाकी टीम्स भी अगर खेलती है उनका रिपोर्ट मेरे पास आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर से शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वक्त जो है मेरे पास आरसीबी का स्कोरबोर्ड आया है, जहां पे आप लोग देख सकते हो ए बी डिविलियर्स अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स ने जो है भाई आरसीबी के प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी मार दी। कर्टसी क्या है, कर्टसी है आरसीबी के बॉलर्स, यानी कि आरसीबी के बॉलर्स की जो है भाई एबीडी ने बहुत ज़्यादा धुलाई कर दी है और प्रैक्टिस मैच में जो है सेंचुरी मार के रख दी है एबी डिविलियर्स ने। ये जो है कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है कि डिविलियर्स भाई इतने टाइम के बाद वापसी किए हैं, बहुत टाइम के बाद खेल रहे हैं, फिर भी जो उनका फॉर्म है कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस बार जो है आरसीबी की उम्मीद एबी डिविलियर्स से काफ़ी ज़्यादा लगी रहेगी। वही जो है बात करते हैं आरसीबी के हसरंगा और चमीरा की। तो भाई आज जो है ऑफिशियली हसरंगा और चमीरा दोनों जन जो है फ्लाइट में बैठ चुके हैं, और श्रीलंका से जो है वो लोग यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। यूएई पहुंचने के बाद दोनों प्लेयर दो दिन के क्वारंटीन में जाएंगे, उसके बाद आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जेसन रॉय की। बहुत लोग भाई पूछ रहे थे आखिरकार रॉय कहाँ पे है, तो जेसन रॉय ने जो है ऑफिशियली सनराइजर्स हैदराबाद के टीम को यूएई में ज्वाइन कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जेसन रॉय ने हैदराबाद को ज्वाइन किया है तो हम लोग इसका मतलब क्या समझे। इसका मतलब ये है कि जो मिचेल मार्श है ना वो अभी भी हैदराबाद के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो आईपीएल 2021 का जब फेस वन हुआ था तो मिचेल मार्श इंजर्ड के बाद जो है उनकी रिप्लेसमेंट वो लिए गए थे भाई जेसन रॉय। तो जेसन रॉय आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मिचेल मार्श अभी भी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग भाई डोमेस्टिक क्रिकेट की। तो भाई खबर आ रही है बीसीसीआई के हवाले से कि जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी, इसकी जो प्लेयर की पर मैच की फीस रहेगी वो भाई लगभग से बढ़ने वाली है। इस बार जो है भाई बीसीसीआई प्लेयर की जो फीस है सैलरी है उसको भाई बढ़ा रहे ताकि जो उनका इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। बात करते हैं हम लोग टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी की। इस जो है ट्रॉफी में भाई प्लेयर की जो पर मैच की फीस रहेगी वो रहने वाली है लगभग से 50,000 रुपीज़। वहीं बात करते हैं T20 के सईद मुश्ताक ट्रॉफी की, इसमें जो है पर प्लेयर की जो फीस रहेगी वो रहेगी भाई 25,000 रुपीज़। तो भाई अच्छा है कि जो प्लेयर को जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। एट दी एंड बात करते हैं पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश की, जहाँ पे जो है पाकिस्तान आने वाली है बांग्लादेश में खेलेगी सीरीज। भाई बांग्लादेश जो है अपने घर पे बहुत मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सबको हरा के भेज दिए है, अब बारी है पाकिस्तान की। तो जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। फर्स्ट ट्वेंटी मुकाबला वो होगा 19 नवंबर को, सेकेंड ट्वेंटी मुकाबला होगा 20 नवंबर को, थर्ड ट्वेंटी मुकाबला होगा 22 नवंबर को। जो है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच की। फर्स्ट टेस्ट मैच होगा 26 नवंबर को, सेकंड टेस्ट मुकाबला होगा 4 दिसंबर को। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश का कंप्लीट शेड्यूल। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। आज जो है भाई न्यूजीलैंड के क्रिकेटर नेथन एशल, इनका जन्मदिन है, तो मैं जो फैक्ट है इन्हीं को लेके बताता हूँ। क्या आप सभी को पता है अभी तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यही न्यूजीलैंड के नेथन एशल के नाम पे जो है
फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड है, जहाँ पे जो है नेथन एसल ने मात्र 153 बॉल में जो है भाई डबल सेंचुरी मार दी टेस्ट क्रिकेट में, जो कि अभी तक सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।